हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कोसले और आप देख रहे हैं आरजे सिविल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट मीटर टू फिट एंड 3.28। व्हाट इज 3.28? दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मीटर को फिट में कैसे बदलते हैं और ये 3.28 क्या है। ये एक फैक्टर है, मेजरिंग फैक्टर है, तो इसे कैसे डिराइव करेंगे आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें। और लास्ट में फ्रेंड्स, बेल का आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक फिट में 12 इंच होते हैं, ठीक फ्रेंड, और एक मीटर में 39.375 इंच होते हैं, ठीक फ्रेंड। और फ्रेंड, अगर आपको नहीं पता है कि एक फीट में कितने इंच होते हैं, एक मीटर में कितने इंच होते हैं, तो मेरे पास टेप है, मैं टेप में आप लोग को दिखा सकता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये अपना जो नंबर लिखा हुआ है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करके ये सीधा 12। तो एक फीट है फ्रेंड, ये एक फीट है, एक फीट में 12 इंच होते हैं, ये 12 हुआ। और एक मीटर में कितने इंच, जब एक फीट में 3 इंच है तो एक मीटर में ये देखिए फ्रेंड 39 इंच है। और यहाँ पे ये जो दिखा रहा है, ये सूत्र है, हर एक लकीर के बाद एक जो दिख रहा है वो एक सूत्र है, तो 1, 2, 3 सूत्र, तो 3 सूत्र फ्रेंड, ठीक है। तो एक इंच में 8 सूत्र होते हैं, 8 सूत्र। ये देखिए, ये जैसे कि ये आप, ये 1 इंच है, ठीक, ये 1 इंच है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो 1 इंच के बीच में 8 सूत्र हैं फ्रेंड, ठीक है। तो अभी हमने देखा एक मीटर में 39 इंच है, ये देखिए ये 39 इंच है, तो सूत्र कितने हैं, 1, 2, 3, यहाँ पे 100 में आया 1 मीटर, तो 39 इंच और 3 सूत्र। तो फ्रेंड, 3 सूत्र को हम पॉइंट में निकाल लेंगे। तो जैसे कि 8 इंच में, जैसे कि ये हुआ 8 इंच, 8 सूत्र, 1 इंच में 8 सूत्र हुए, ठीक है। तो 3/8, तो ये आ गया 0.375। तो 39 इंच, उसके बाद 375, ठीक है फ्रेंड। हमने ये मीटर को फीट में कन्वर्ट करने के लिए एक ही यूनिट में लाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, अभी आ गया 1 फीट में 12 इंच और 1 मीटर में 39 इंच। तो अब फ्रेंड, इसको 39.375 को हम डिवाइड करते हैं 12 से, सेम यूनिट, इंच कैंसिल हो गया फ्रेंड। तो अब यहाँ पे निकलता है 3.75 डिवाइडेड बाई 12। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आ गया 3.28 आ गया। हम दो डिजिट लेते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड 3.28 आ गया। अब ये 3.28 आ गया, ठीक है। तो अब ये एक कन्वर्जन हो गया, यूनिट कन्वर्जन, कि फिट को इंच में और इंच, फिट को मीटर में और मीटर को फिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा एक मीटर को हम अगर फिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.28 से, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 3.28,
तो 1 मीटर में कितने फीट हो गए, 3.28। तो 2 मीटर में कितने फीट हो जाएंगे, 3.28। ठीक, तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 2, तो ये हो जाएगा 3.28 इसका हो गया, और ये हो जाएगा 6.56। ये फिट है और ये फिट है। तो उसी तरह फ्रेंड, अगर हम एक मीटर को फिट में कन्वर्ट करेंगे, उसी तरह फ्रेंड अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 30 फिट, ठीक है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो ये अपना फैक्टर हो गया, ये अपना मेन फैक्टर है, ये अपना फैक्टर है, हमको यही निकालना था, ये निकल गया, ठीक है। अब ये देखिए 30 फिट है, 30 फिट को अब हमको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 डिवाइडेड बाय फैक्टर से 3.28। तो 30 डिवाइडेड बाय 3.28, तो फ्रेंड यहाँ पे आ गया 9 मीटर, ये 9 मीटर 1.4, ठीक। ये देखिए इस प्रकार अगर हम 15 फीट का देखें, तो 15 डिवाइडेड बाय 3.28, तो गया 15 डिवाइडेड बाय 3.28, ये हो गया 4 मीटर 57.57, ठीक है। तो इस तरह हम मीटर को फिट में और फिट को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रेंड। तो यही हमारा फैक्टर है, इसी के द्वारा हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों इस यूनिट की ज़रूरत हम लोगों को इसलिए पड़ती है क्योंकि एक इंजीनियर को अपनी एजुकेशन के टाइम वह हमेशा कोई भी लेंथ को मीटर में या फिर सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में पढ़ाई करता है, बट जब एक्चुअली में जब वो साइट पर जाता है तो एक मेसन जब काम करता है तो किस में करता है, फिट और इंच में, फिट और इंच में काम करता है। तो एक इंजीनियर को ये दोनों का कॉम्बिनेशन उसे आना चाहिए, इसलिए ये एक फैक्टर है 3.28, तो यहीं से ड्राइव होता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3.28, 6.56 फिट, ठीक। तो ये तो हो गया फिट, तो ये जो पॉइंट है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि एक फीट में 12 इंच होते हैं, 1 फीट बराबर 12 इंच, तो हम 12 को किससे डिवाइड करें कि यहाँ पे 1 आए, तो 12 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक। उसी तरह ये हो गया 1 फीट, ठीक। अब अगर हम 11 को हम 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक, और उसके बाद 10 को 12 से डिवाइड करते हैं, फिर 9 को 12 से डिवाइड करते हैं, फिर 8 को 12 से डिवाइड करते हैं, फिर 7 को 12 से डिवाइड करते हैं, फिर 6 को 12 से डिवाइड करते हैं, फिर 5 को 12 से डिवाइड करते हैं। ऐसे से हम डिवाइड करते हुए जाएंगे, हमको पॉइंट मिलते जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, ये हो गया 11/12, तो अगर 11 इंच रहा तो पॉइंट में वो कितना होगा, 0.91 फिट पॉइंट में, ठीक है। उसी तरह अगर हम यहाँ इसको 10 लेते हैं तो पॉइंट में कितना आ जाएगा, 0.833, ठीक। 9 को लेते हैं तो 0.75 आएगा, ये देखिए फ्रेंड। और 8 को लेते हैं तो ये आता है 0.666। अब अगर हम 7 को लेते हैं तो ये आता है 0.58। अब 6 को लेते हैं तो
आता है ये 0.5, मतलब ये आधा फीट हो गया। ये एक फीट है वो कम होते होते वो आया, और 12 का आधा कितना हुआ, 6 इंच। ठीक, एक फीट में 12 इंच होते हैं, आधा 6 हो गया तो 0.5 आ गया। उसी प्रकार अब यहाँ पे हम देखते हैं 5 से डिवाइड करते हैं तो 0.41, मतलब ये इंचेस हैं, एक फीट में 12 इंच है तो 12 से डिवाइड किए तो एक फीट आ गया। फिर 11 इंच को डिवाइड किए तो 0.91 आ गया, 10 इंच को डिवाइड किए तो 0.83 आ गया। ठीक फ्रेंड, तो जैसे कि यहाँ इसी तरह हो गया। अब अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन। ये हो गया 4 से डिवाइड किए तो हो गया 0.33, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.16, और 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.083। तो फ्रेंड, अगर जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे 5 फिट और 4 इंच, तो इसको पॉइंट में कैसे लिखेंगे फ्रेंड? 5 फिट और 4 इंच में कितना आया था ये देखिए, 3 3। ठीक, अब जैसे ये हो गया 10 फिट 11 इंच, 10 फिट 11 इंच, ये फिट का सिंबल है, ये इंच का सिंबल है, तो कैसे लिखेंगे? 10 फिट 10 10 10 11 का कितना आया था? 9 1। तो ये जितने भी हैं ये इंचेस के पॉइंट हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक फ्रेंड, तो आज हमने डिराइव किया कि मीटर को फिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिट को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये उसका फैक्टर है। फ्रेंड्स, अब अगर आपको टेप के बारे में जानना है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए जिस पे मैंने टेप के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।